कल से ही बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जवान मूवी में जो डॉक्टर इरम का किरदार है वो डॉक्टर कफील की कहानी से मिलता जुलता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से बहुत से बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार डॉक्टर को ही कतईत करके जेल में डाल देती है। मैंने मूवी देखी नहीं है और मैं उस पर कमेंट बहुत नहीं कर सकता, लोग कह रहे हैं तो जब तक मूवी देख ना लूँ मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मैंने उस पर किताब लिखी हुई है अपनी ज़िंदगी पे, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, और वो हिंदी, उर्दू और तमिल, मलयालम, मराठी में अवेलेबल है। और ना ही मेरे ना मूवी डायरेक्टर साहब ना एटली से या फिर शाहरुख खान से या किसी को भी मैंने कोई अपनी मूवी का राइट भी नहीं दिया है, मुझे पता भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों का कहना है कि मूवी के एंड में जैसे रील और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है, मूवी में जो कल्प्रिट हेल्थ मिनिस्टर साहब होते हैं उनको उनकी सज़ा मिल जाती है, रियल लाइफ में डॉक्टर कफील को भी अभी भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।